हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो ये वीडियो होने वाली है हाउ आई वेंट फ्रॉम नथिंग टू AIR 118 एंड क्रैक्ड MS शल्य तंत्र विच इज़ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच नाउ अ डेज। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर मनीष एंड मेरा रैंक है 118 EWS AIAPGT 2022 में, एंड मुझे जो ब्रांच मिली थी वो MS शल्य तंत्र मिली थी तारानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो ये पूरी जर्नी जो थी वो कैसी रही, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, AIAPGT की जर्नी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, और इसमें क्या था, मैंने स्टार्ट किया था एक बार अपना इंटर्नशिप के दौरान। तो जो इसकी जो वीडियो की पर्पस है वो क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पर्पस है वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को गाइड करना ही इस वीडियो का पर्पस है, ताकि उनकी कुछ सहायता हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आज के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी प्रोसेस चल रही है उसको ट्रस्ट करना है और उस पर हसल करते रहना है। और आपको जो जर्नी है, लेट द जर्नी बिगिन, मतलब जो आपकी जर्नी है उसको स्मूथली और हार्डली जैसे भी आपकी चल रही है उसको चलने दें। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो इंटर्नशिप रही थी वो रही थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में, और साथ साथ रही थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में। तो दो जगह 6-6 महीने की इंटर्नशिप रही थी, और इसी इंटर्नशिप के दौरान हम लोगों ने, यानी कि पूरी क्लास ने डिसाइड किया था कि अभी हमें AIAPGT का प्रिपरेशन करना है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया AIAPGT का प्रिपरेशन, और वहीं पर एक टीचर आते थे तो हमने क्या किया, उनको हायर कर लिया और सभी उनके पास चले गए कि सर हमारी जो क्लासेस है आपको ऑफलाइन लेनी है। तो वो टीचर्स थे जो वो भोपाल से आया करते थे उन दिनों पंजाब में, तो वो सैटरडे संडे आते थे और वीकली हमारी 2 क्लासेस रहती थी। तो हम क्या करते थे, उनके पास जाते थे और वीकली 2 क्लासेस में पढ़ते रहते थे सारा सारा दिन। तो फिर क्या हुआ, टीचर कुछ दिन तो आते रहे, बाद में क्या हुआ, भोपाल से आना होता था तो वो छोड़ गए और हमारी जो तैयारी थी वो बीच में ही रह गई। इतने में हमारी इंटर्नशिप थी तो वो एलोपैथिक अस्पताल में लग गई, और हमें क्या हुआ, एलोपैथी की चकाचौंध लग गई, और साथ में दूसरे हमारे टीचर नहीं थे तो हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और सोचा कि यार अभी अपना काम सीख लेते हैं और वही कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, काम तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगले साल क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, जो कि अच्छा चला। और उसी दौरान क्या हुआ, NCISM जो हमारी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई जो MS शल्य तंत्र वाले हैं वो सभी प्रकार के 58 टाइप्स ऑफ सर्जरीज कर सकते हैं। तो इसी दौरान हमारे मन में भी उत्साह जागा कि यार शल्य तंत्र में MS करना है और फ्यूचर को अच्छा करना है। तो क्या किया, बुक्स उठाई, मटेरियल को गैदर किया, सीनियर्स के पास भागा दौड़ा और एक बोर्ड लगाया कि कीप काम एंड स्टडी हार्ड। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो भगवान की कृपा इतनी रही कि जो रैंक था वो 118 आया EWS में, और शल्य तंत्र मिल गया तारानाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्नाटक में, जो बलेरी में है, और AMP नासिक में, 2 जगह मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो जो आगे की जर्नी है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगती है। और धन्यवाद दोस्तों।